हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार बालाजी एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सगरवाल मैथ की नंबर सिस्टम अभी चालू कर रहे हैं, सॉरी चालू कर चुके हैं, ये पार्ट 5 है उसका। इससे पहले हम 4 पार्ट और बना चुके हैं उस पर, तो जितना भी है उसका मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने बाकी के क्वेश्चन करवा दिए हैं, लगभग 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब आगे उससे आगे मैं आज कंटिन्यू करूँगा इस पार्ट में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल के होम पेज पर जाइए और वहाँ पे RS अग्रवाल नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। उसमें पूरा नंबर वाइज चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसी में आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा एक सीरीज से। तो आप वहाँ से आप देख लीजिए पूरा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, नहीं तो आपको बीच में शायद हो सकता है समझ में ना आए बीच से, इसलिए। और ये किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही सटीक है। आपको उम्मीद है आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाए जो आपको सेम टू सेम ऐसा आपको लगे कि हाँ बुक से निकल के सीधा एग्जाम में छप जाए, इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये RS अग्रवाल मैथ इतना इम्पोर्टेंट है और विशेषकर SSC GD और ग्रुप डी वालों के लिए तो और ही ज़्यादा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको करना जरूरी है। और आपके पास जो भी बुक है आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, मैथ केवल प्रैक्टिस पर ही होता है। ठीक है, आपको जो बुक है उससे कीजिए, कोई बुक खराब नहीं होती है। ठीक है, और कोई बुक बहुत अच्छी नहीं होती, कोई अच्छी सब होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक ही बुक पढ़ेंगे आप तो बस आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड सेट हमेशा जो है बदलता रहता है, कब क्या उसके माइंड में आ जाए वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन हाँ इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलता है जो आप और भी दूसरे भी बुक से आप अगर करेंगे तो कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है, चलिए आज का मैं वीडियो शुरू करता हूँ। और हाँ, आप लोग का सपोर्ट बना रहना चाहिए, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए बेहतर काम कर पाए। ठीक है, तो चलिए वो आपकी मर्जी है, आपको जो समझ में आए जो कीजिए, हम तो अपना कर्म करते ही हैं। ठीक है, तो आज ये पार्ट 5 है, इसमें मैं अब क्वेश्चन करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले में पार्ट 4 में मैंने जो उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए थे, तो आज मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा जो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे। ठीक है, जहाँ से मैंने उस पार्ट में छोड़ा है, क्योंकि उसमें मैंने 30 क्वेश्चन तक करवा दिया है, अब मैं आज यहाँ 31 से करूँगा। ठीक है, तो अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में 5627 के पावर 153 गुणा में 671 के पावर 72 ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया जी टीच। अब हमें क्या करना है, इसका इकाई का अंक निकालना है, हाँ, आपको मैंने एक और चीज नहीं बताया, वो मैं आप यहाँ बता देता हूँ कि कोई भी संख्या लिखा हो, ठीक है, अगर उसका इकाई का अंक आपको देखना है, कोई भी संख्या लिखा है तो 1 हुआ 5 हो गया और 1 6 हो गया और 1 0 हो गया। अगर ये 4 संख्या किसी के भी इकाई के अंक में आती हैं तो उसके पावर में चाहे जो चढ़ा हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये विशेष में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विशेष में यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये विशेष बात है, इससे क्या होगा आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा ज्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी देखिए, मैं यहाँ 72 का 4 से मैं विभाजित करूंगा, उसके बाद देखूंगा 4 के पास क्या आया पूरा, 72 तो 4 से कट भी जाएगा, फिर उसके बाद मैं 4 रखूंगा 1 के पावर, फिर ये सब करने से क्या फायदा। तो हमने देखा कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा तो यहाँ गुणा कर देंगे। अब यहाँ हमें केवल 7 के पावर क्या करना है, 53 का हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, क्योंकि हमें 2 में ही करना है, 1 शेष बच गया, यहाँ 4 3 12 1 शेष बच गया, 12 करेंगे यानी 13 चौका 52 होता है और 1 शेष बच जाएगा,
तो हम एक ही लिख यहाँ पावर में लिखेंगे, जो शेष बचेगा वही लिखते हैं। तो 7 के पावर 1 मतलब 7 ही होता है, 7 × 1 = 7, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, 7 आंसर हो गया। अब ये किस ऑप्शन में है 7? सी ऑप्शन में है, ठीक है, तो ये सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है, थोड़ा थोड़ा लेवल इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे और हमारा प्रैक्टिस भी होते जाएगा तो आराम से आप उसे कर पाएंगे, ठीक है। और आपको जो लगता है कि ये बहुत ही सिंपल है, इसको हम क्यों करें, तो जो सिंपल आपको लगता है और आपके लगा रहे हैं और आ रहा है तो उसको जरूर कीजिए। जो नहीं आ रहा है उसके पीछे टाइम खराब करने से अच्छा है जो आपको आ रहा है उसको 10 बार अगर लगा देंगे तो जो नहीं आ रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आपको नहीं आ रहा था अब तक उसे आप अगर लगाएंगे तो 100% वो लगेगा, ठीक है, वो सवाल लग जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है, आप उसको उड़ा सकते हैं आराम से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 7 के पावर 95 -3 के पावर 58, ठीक है, कुछ यूं लिखा हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं जैसा मैंने आपको बताया। अगर यहां मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो क्या होगा, 4 × 2 = 8, 1 बचेगा, यहां 15 हो जाएगा, ये रहा, मैं कर ही देता हूं, यहां 7 लिखता हूं और 4 × 2 = 8 और 1 बचेगा 15 और 4 × 3 = 12 और 3 × 15 यानी 3 बच गया शेष, 7 के पावर 3 माइनस यहाँ 58। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4, 1 यहाँ 18 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 16 = 17, 18, 2 शेष बच गया, 3 के पावर 2 शेष बच गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 7 का पावर 3 होता है तो क्या होता है, 343, 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है, -3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 43 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पूरा घटाना ही नहीं है, यहां आप देखिए, देखिए 343 में से 9 घटाएंगे, यहां 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 4, बस हमको इधर ही वाला तो देखना है, 4 हो गया आंसर, ये रहा। आगे क्या आएगा हमके उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ये 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है, तो बी राइट हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या है, इसमें तो बड़ा लंबा चौड़ा कुछ लिख दिया, कोई बात नहीं, उसे भी करेंगे, आसानी से करेंगे, आप खुद भी कर पाएंगे। देखिए 3, 6, 9, 4, इसके पावर में क्या है, 17 93 × 6, 1, 5, इसके पावर में क्या है, 3, 1, 7, ठीक है, इंटू में 841, 841, इसके पावर में क्या है, 491, ठीक है, यू कुछ दिया हुआ है। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो कुछ आपको दिख रहा है इसमें, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ना, मैंने अभी आपको जस्ट कुछ ही मिनट पहले बताया कि जब 0, 6, 5 और 1 ये 4 संख्याएं अगर किसी के भी इकाई के अंक में है तो उसके पावर कुछ भी रहे इकाई के अंक में वही आएगा, ठीक है। तो इसका 5 का 5 ही हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 ही हो जाएगा। अब हमें इसका देखना है, तो 4 के पावर में हमें क्या लिखना है उसको हम यहाँ से देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, केवल 93 को डिवाइड करेंगे, 4 × 2 = 8 और 1 इधर आएगा, 13 हो जाएगा, तो 4 × 12 और 1 शेष बच जाएगा, तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे, 4 के पावर 1 यानी 4 ही तो हुआ, 4 यहां मैं लिख देता हूं, ये 4, 4 × 5 = 20 × 1 = 20 हो जाएगा,
बीस में इकाई का अंक क्या है? जीरो। ये जीरो आपका आंसर हो जाएगा। और जीरो किस ऑप्शन में आ रहा है? जीरो ए में आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। 34 में इकाई का अंक कितना है? दिया हुआ है 3 की पावर 61। 3 की पावर 61 इंटू 6 के पावर 43 इंटू 7 के पावर 82। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो ये यहाँ देख लीजिए, 6 है, 6 में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, 6 का 6 ही लिख देंगे सीधा। इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 2 इधर हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और एक शेष बच जाएगा 3 के पावर 1, यानी 3 ही, हम 1 लिखें या ना लिखें, 1 लिखने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब इसको यहाँ देखते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दुनिया 8 और ये 2 ही शेष बच जाएगा, 20 चौका 80 होता है, 2 शेष बच जाएगा तो 4 के पावर हम 2 लिखेंगे यहाँ, या हम यूँ कहें कि 16 लिख देते हैं, 16 लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं? जी नहीं, ये रहा 16। अब हम क्या 16 छक्का 96 × 3 करें? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए 3 छक्का 18, 18 इस तरह से हो गया। अब इसका लास्ट का और इसका लास्ट का, 8 छक्का 48, 48 लिखेंगे तो ये लास्ट का ये रहा और यही आंसर हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा आपका। इकाई का अंक ही तो हमें देखना है, कौन सा हमें पूरा देखना है। और 8 किस ऑप्शन में आ रहा है? 8 किसी में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है डी में आ रहा है। ठीक है, तो ये डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या दिया हुआ है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे आप, अगर तैयारी करना है तो आप प्रैक्टिस, और मैथ एक ऐसी चीज है, आप कितने भी धुरंधर हो, जहां से आपने बंद कर दिया मैथ को, सॉल्व करना बंद कर दिया, वहीं से वो खत्म हो जाएगा, घटने लगता है। ठीक है, विद्या ऐसी चीज है जिसको कहा जाता है ज्यों खर्चे त्यों बढ़े निरंतर, जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही बढ़ेगा, और अगर आप उसको कहीं नहीं ज्ञान बांटेंगे, किसी को आप उसके बारे में बताएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा आपको ABCD भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा होता है? हाँ होता है। अभी लॉकडाउन में जितने भी बच्चे हैं जिनको पहले ABCD बहुत अच्छे से आता था, उनसे आप कभी पूछिएगा कि बेटा X के बाद कौन सा अच्छा रहता है, वो सोचेंगे 1 घंटा फिर बताएंगे। ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कितना है? 17 के पावर 1999, ये रहा 17 के पावर 1999। फिर क्या है, प्लस है 11 के पावर 1999। ठीक है, 11 के पावर 1999 हो जाएगा। फिर माइनस 7 के पावर 1999, 7 के पावर 1999 ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, कुछ यहाँ दिख रहा है ना, एक तो हमें कुछ करना ही है, यहाँ तो एक ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ जोड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा यहाँ गुणा नहीं करना है। ठीक है, जोड़ना है और घटाना है। तो सबसे पहले तो हम ये निशान को वैसे का वैसा ही लगा देंगे, जो भी आएगा उसका हम इकाई का अंक देख लेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए एक है तो एक के पावर तो कुछ भी रहे, हम एक ही मानते हैं कि हाँ एक ही होता है, होता भी है, मैंने आपको बताई है ट्रिक के माध्यम से। और 99 पावर 4 करेंगे तो 4 दुनी 8 और एक ये 19 हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये 3, यानी 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो 7 के पावर 3 प्लस में ये हो गया, अब यहाँ माइनस, यहाँ भी 3 बचेगा, 7 के पावर 3। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 7 के पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ मैं एक जोड़ता हूँ,
पूरा लिखता हूँ, 7 के पावर 3 का, 7 के पावर 3 का ये 3 4 3 होता है, और इसी तरह से जो माइनस वाला है उसका भी। तो सबसे पहले मैं 1 लिख लेता हूँ, जो प्लस वाला है सबको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 344। अब इसमें से फिर हम 343 घटाएंगे, क्योंकि ये रहा 343, 7 का माइनस करेंगे तो फिर ये घट जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पूरे से नहीं मतलब है, ये तो मैंने लिख दिया, नहीं तो आप केवल ऐसे भी देख सकते थे कि 3 में से 3 चला जाएगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। 3 और 1 4 जोड़ेंगे और उसमें से फिर 3 घटा देंगे तो 1 ही आ जाएगा। और हमें इकाई का अंक से मतलब है, और थोड़ी हमें दुनियादारी से मतलब है। जब पूछेगा पूरा तब देखा जाएगा, तब उसके लिए दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। हर चीज़ का है ना जुगाड़, हमारे यहाँ कहते हैं ना जुगाड़। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 1 जो है ये आंसर आ जाएगा, इकाई का अंक जो इसमें कि पूछा हुआ है। और ये किस ऑप्शन में है, ए में है, ठीक है। ये यहाँ लिख देता हूँ, ए आपका राइट हो जाएगा, यहाँ चमक रहा है, इधर लिख देता हूँ, ए राइट आंसर, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अब एक है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जातीय मान और स्थानीय मान, ठीक है। तो इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले थोड़ा सा, उसके बारे में आपको समझा देता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि स्थानीय मान, मैं सबसे पहले स्थानीय मान बता देता हूँ, चलिए जातीय मान बताता हूँ, जातीय मान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है अंग्रेजी में। तो इसमें क्या होता है, फेस मतलब क्या, आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, आपका चेहरा, आपका चेहरा जैसा दिखता है वैसा ही रहेगा ना, पड़ोसी की तरह तो हो नहीं जाएगा, ऐसा आप सोचते होंगे ना कि मेरा चेहरा मेरे तरह ही क्यों दिखता है, क्योंकि आपका चेहरा है ना इसलिए दिखता है। तो जातीय मान क्या होगा, जो जैसा दिख रहा है, जिसकी जैसी शक्ल उसका वही मान। मैं कहूँ 8 7 6 5 4, इसमें मैं पूछूँ कि 6 का जातीय मान, तो 6 ही हो जाएगा, 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा, 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा, 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा। ये जातीय मान है, जिसका जैसी शक्ल उसका वही मान, ठीक है। तो ये हो गया जातीय मान, उसमें कुछ नहीं करना है, जो दिख रहा है वही है जातीय मान, इस तरह से आप याद रखिए। अब स्थानीय मान, स्थानीय मान में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां स्थानीय मान, स्थानीय मान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, कौन से स्थान पे है वो, जैसे हम कहते हैं ना 1,44,000, इस तरह से मैं एक लिखता हूँ, फिर देखिए 80,690। अब मैं इसमें कहूँ 6 का इसमें क्या है स्थानीय मान, 6 का, तो मैं अगर इसे पढ़ूंगा तो क्या कहूँगा, 80,690, 690 कह रहा हूँ ना, 600, तो यही 600 ही होता है, ये हो जाता है इसका स्थानीय मान। अब मैं कहूँ 80,000, अब इसमें हाँ यहाँ पे देखिए एक और चीज आ गया, जीरो आ गया, जीरो का क्या होगा, अभी इसमें पूछ ले जीरो, दूसरे जीरो का, या कह दे कि बाईं ओर से पहले जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। इस तरह से अगर पूछ ले तब 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो ये क्या होगा, 10,000 की वैल्यू होगा, ये सॉरी 1,000 का वैल्यू होगा। देखिए अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,000 का वैल्यू होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कब ये 10,000 होगा कब होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल जैसे 8 का पूछा, 8 का स्थानीय मान क्या है, इस तरह से 8 लिखा आपने, पीछे कितना अंक है, 1, 2, 3, 4,
उतना जीरो लिख दीजिए, ये रहा। अब ये क्या है, आप इसको पढ़ लीजिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 है। 8 का वैल्यू कितना है, 80,000, ठीक है। ये रहा, ये इसका स्थानीय मान हो गया, ठीक है। और एक दो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ, जैसे कि अब चलिए मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। इसमें बहुत सिंपल, ऐसा नहीं आता कि आपको पूछेगा स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि 867943, इसको मैं सबसे इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर लगा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 36, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 867943 क्या है, 867943 में स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर, ठीक है। अब इसमें पूछा है स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर। इसका सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे किस तरह से, ये रहा 7, 7 के नीचे हमने 7 लिखा, 1, 2, 3 अंक है, 3 जीरो लगा दिया हमने, ये रहा, ये तो हो गया इसका स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान हो गया। अब जातीय मान, जातीय मान मैंने अभी बताया, जैसा फेस, फेस वैल्यू बोलते हैं ना, जैसा शकल वैसा मान। 7,000 में से 7 घटा देंगे, अंतर ही पूछा है ना जातीय मान और स्थानीय मान का, तो मतलब 7 घटा देंगे, जो भी स्थानीय मान होगा उसमें से जातीय मान घटा देंगे और वो आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7,000 में से जब 7 जाएगा, 6,993 ये हो जाएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा, ऐसा किस ऑप्शन में है, 6,993 सी में है, ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, इसी पे बेस्ड है, तो अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 37, 689235, ये रहा 689235, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें पूछा है 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 9 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान, ये रहा 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये स्थानीय मान 9 का हो गया, माइनस 3 का स्थानीय मान, ये रहा 3, 1, एक ही अंक है ना, तो 1, 0 ये रहा। 9,000 में से 30 माइनस कर देना है, यही इन दोनों का अंतर हो जाएगा। अंतर तो इसी तरह से निकालते हैं ना, अब 9,000 में से 30 जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,970, 8,970 ही हो जाएगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में है, ये ऐसा बी ऑप्शन में है, बी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना आराम से कर पा रहे हैं आप खुद से करके देखिए, ठीक है। आप एक काम किया कीजिए, अगर आप देखते हैं तो आप पहले वीडियो, जैसे क्वेश्चन आता है तो आप उसको रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद लगाइए और फिर उसके बाद चालू करके देखिए कि मैंने जो लगाया वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। और अगर नहीं मैच कर रहा तो कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, और उसे विशेष ध्यान रखिए, उसे सुधार कीजिए, ठीक है। नहीं बहुत जगह माइनस में आंसर ले आते हैं, इसमें माइनस में कभी आता ही नहीं, जहाँ अंतर की बात हो जाती है वहाँ माइनस कहाँ, हमें तो अंतर ही देखना है ना, तो इस तरह से, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों कि ए इंटू बी यानी ए बी बराबर जीरो, तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपको ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, या नहीं पढ़ते आ रहे होंगे तो अब पढ़ लीजिए, अभी कोई देरी नहीं होगी, ठीक है, अभी कोई देरी नहीं हुई है। कोई भी संख्या अगर हम जीरो से गुणा कर दें तो वो जीरो हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, ठीक है। एक बार
आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर मोबाइल नंबर के सभी अंकों को आपस में गुणा किया जाए तो आंसर क्या आएगा। आप खुद सोचिए क्या आएगा। लगातार अगर आप सभी अंकों का गुणा करेंगे और लास्ट में जितना भी करेंगे तो लास्ट में जीरो का गुणा कर देंगे, 1 × 2 × 3 × 4 इस तरह से करेंगे, 5 × 6 × 7 × 8 × 9 और फिर 0। ये 1 0 इन सब का काम तमाम कर देगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का कितना भी बड़ा हो आप अगर 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट पे इस पे पूछ लिया, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, इसमें केवल कॉन्सेप्ट पे है। ए तथा बी दो वास्तविक संख्या ऐसी हो कि ए बी इज इक्वल टू 0। अब चाहे ए बराबर 0 हो, बी बराबर कुछ भी रहा हो, ठीक है, बी इज नॉट इक्वल टू 0, तब भी ये ए बी 0 ही होगा। ए भी 0 हो, ठीक है, बी भी 0 हो, तब भी ये 0 होगा, तब भी ये 0 ही होगा। और दोनों में से फिर इसमें हम क्या कहेंगे, चाहे दोनों में से 1 0 हो या दोनों 0 हो, तो ऐसा किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ए इज इक्वल टू 0 अथवा बी इज इक्वल टू 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0, तो हमें हमेशा हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी कंडीशन में 0 हो जाता है, चाहे दोनों 0 हो तब तो 0 होगा ही, एक बी बी 0 हो तब भी 0, ए 0 हो तब भी 0 आंसर। ठीक है, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, इसमें कुछ नहीं था, केवल आपको समझने के ऊपर है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे पहले आपको सबसे छोटी देखना है। आप सोचिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, ठीक है, आप उसको देख लीजिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए कि मैंने क्या बताया है उसमें, छोटी कौन सी होती है और अभाज्य कौन सी होती है, भाज्य कौन सी होती है, सम कौन से होते हैं, विषम कौन से होते हैं, सब मैंने आपको बताया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, देखिए मैंने नोट करके भी लिखाया था ये बात को कि जो 2 है वो अभाज्य है, सम है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, सम है परंतु अभाज्य है, और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 सबसे छोटी सम है और अभाज्य। सम क्यों है, क्योंकि इसका दोनों जोड़ा बना सकते हैं, 1 और 1 का 1 + 1 का 2 कर सकते हैं, जोड़ा बन सकता है। और अभाज्य क्यों है, क्योंकि ये केवल अपने आप से कटता है या तो 1 से कटता है, ठीक है, 2 और किसी से काट सकते हैं आप, 2 को या तो 2 से काटेंगे या तो 1 से काटेंगे, और सभी अभाज्य के लिए यही रूल है कि या तो वो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, 1 से तो हर कोई कट जाता है, यानी केवल स्वयं से कटे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ऑप्शन सी जो कि 2 है। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्या कहा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो इसमें आपको गिनना पड़ेगा और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या अभाज्य है या नहीं है। चलिए गिन लेते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। हालांकि इसमें इतना बड़ा नहीं देता है कि आपको करने में बहुत ज़्यादा वो लग जाए, समय लग जाए, बीच से दे सकता है, तो इस तरह से। चलिए मैं अब, यहाँ क्वेश्चन है तो मैं इसको पूरा काउंट करके ही आपको दिखाता हूँ कि कितना ये होगा। ठीक है, तो 70 से छोटी यानी 70 से नीचे ही हमें जाना है, तो शुरू करेंगे। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, सबसे छोटी 2 होती है, 2 हम लेंगे, फिर क्या होगा 3 लेंगे, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा, फिर क्या होगा 9 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कटता है। ठीक है, फिर क्या होगा 11 होगा, फिर क्या होगा 13 होगा,
फिर क्या होगा 15, 16 नहीं होगा, 17 होगा, फिर क्या होगा 18 नहीं होगा, 19